हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की करंट ट्रू डीप फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं आपके लिए। और आज की जो ये रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जो किसी ना किसी रिलेशनशिप में है और अपने न्यू पार्टनर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके व्यूअर्स, और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस है। आप इस रीडिंग को किसी भी एक ऐसे पर्सन के लिए देख सकते हैं जिसकी भी करंट ट्रू डीप फीलिंग्स और इमोशंस आप जानना चाहते हैं। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके एक्स लवर हो सकते हैं, आपके न्यू लवर हो सकते हैं और आपके क्रश भी हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, किसी को भी माइंड में रख के इस रीडिंग को देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, अब मैं आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ और कुछ कार्ड्स आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी के लिए भी निकालेंगे। और जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप उस पर्सन को अपने माइंड में रख के पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखें और उस पर्सन को विजुअलाइज करते रहें जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी के लिए जो कार्ड आया है वो आया है 10 of Wands एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में ही आया है किंग ऑफ कप्स। इन दोनों ही कार्ड्स को हमने ले लिया है। और ये जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो आए हैं एस ऑफ कप्स, 5 of Wands, 7 of Pentacles और आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं द मून, क्वीन ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड। ओके व्यूअर्स, कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत आए हैं और ये रीडिंग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको साइन बता दूं, यहाँ पर जो साइन है वो हैं मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर। ओके व्यूअर्स, ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन डेट्स में हो सकता है कि आप दोनों मिले हों और कहीं ना कहीं ये नंबर आप दोनों के लिए लकी भी हो सकते हैं। आज की रीडिंग आपके कार्ड से स्टार्ट करेंगे। आप जब अपने पर्सन से मिले थे ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप में तब्दील हो गया था। आप दोनों का जो बॉन्ड है ना, आप दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे, इतने क्लोज आ गए थे ना, आप दोनों एक दूसरे की दिल की धड़कन को भी महसूस कर पाते थे, उनके दिल में क्या चल रहा है आप बिना कहे ही पहचान जाते थे, अपने पार्टनर की हर बात समझ जाया करते थे। बट धीरे धीरे ना आप दोनों के बीच फाइट होने लग गई हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं या फिर आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए चेंज हो गई हैं, नहीं, अभी भी आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल की धड़कन आज भी महसूस कर पाते हैं, उनको फील कर पाते हैं आज भी। बट ऐसा लग रहा है आपकी साइड से कि आप अपने पर्सन से नाराज़ हैं और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो किसी और से बातें कर रहे हैं और आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, इन दिनों वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। बट ये पर्सन आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, ऐसा तो लग ही रहा है। ये पर्सन भले ही इस वक्त आपको इग्नोर कर रहे हों, आपसे इनकी दूरी बनी हुई हो और वो दूरी किसी ना किसी वजह से हो सकती है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए काफ़ी डीप इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और अभी भी आपसे काफ़ी प्यार करते हैं। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं ना, तो एक दूसरे को इस वजह से भी ना इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि शायद आपके पार्टनर के पास इन दिनों टाइम नहीं है, वो कहीं ना कहीं बिजी हैं, ऐसा लग रहा है। और आप अपने पर्सन से झगड़ पड़ते हैं इस बात को लेकर कि जब कभी भी शायद उनका फ़ोन बिजी जाता होगा, आपको ऐसा लगता है कि वो किसी अदर रिलेशनशिप में चले गए हैं, किसी और के साथ बातें कर रहे हैं। आप बहुत ही इनसिक्योर हो गए हैं, आप जो अपने पर्सन से ना इतना प्यार करते हैं ना, ये इनसिक्योरिटी आप में इस वजह से भी आ गई है। अब आप सोचते रहते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि कहीं आप उनको खो ना दें, आपको ये डर आ गया है आपके दिल में कि शायद आप अपने पार्टनर को खोते जा रहे हैं, आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए कम होता जा रहा है। अब वो जिस तरह से पहले आपको अपना प्यार जताया करते थे, एहसास कराते थे अपने प्यार का, इन दिनों वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। बट इस पर्सन की अगर कार्ड्स की बात की जाए तो इस पर्सन के कार्ड्स में ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन के दिल में कोई ना कोई ऐसी बात है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं और ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर इनकी मदर के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं,
ये पर्सन अपनी मदर के बहुत ही क्लोज हैं, अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं और इनकी मदर के और इनके बीच ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो शायद ये आपको बताना भी चाहते हैं अपनी मदर के बारे में, बट बता नहीं पा रहे हैं। या तो काफ़ी सारे लोगों की मदर है नहीं या फिर वो उनसे दूर हैं, हो सकता है ऐसा काफ़ी सारे लोगों के लिए कि आपके जो पार्टनर है ना वो अपनी मदर से दूर हैं, कहीं ना कहीं वो अकेले रहते हैं उनकी मदर से। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी जो मदर है ना वो थोड़ी डोमिनेटिंग किस्म की लेडी हैं और इनको काफ़ी कंट्रोल में रखती हैं, ये अपनी मर्ज़ी से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कर पाते हैं। इनके दिल में काफ़ी सारी ख्वाहिशें हैं जो इन्होंने अंदर ही अंदर छुपा रखी हैं और अपनी मदर की वजह से शायद ये जाहिर नहीं कर पाते हैं उन ख्वाहिशात को। इनकी मदर इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं, इनसे ज़्यादा उम्मीदें रखती हैं और ये अपनी मदर की छोटी से छोटी ख्वाहिश को भी पूरा करना चाहते हैं। और काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मेहनती पर्सन हैं, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं ये पर्सन ना कहीं भी रहें, किसी के साथ भी रहें, बट घूम कर ना ये आप ही के पास आ जाते हैं, ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं। इनके दिल में जो इनकी मदर की वैल्यू है, जो रिस्पेक्ट ये अपनी मदर की करते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट आपकी भी करते हैं, ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारे डीप फीलिंग्स हैं, शायद हो सकता है कि इन्होंने उन फीलिंग्स को अपने ही दिल में छुपा रखा हो, अभी बताया नहीं है, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं ये पर्सन। बट आप दोनों ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, ऐसा तो लग ही रहा है यहाँ पर। ओके व्यूअर्स, और इस रीडिंग में कुछ और क्लैरिटी लाने के लिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और ये दो तीन कार्ड्स हैं इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर फाइव ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करेंगे, क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करेंगे एंड टेन ऑफ वैंड्स को भी क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है द रिवेल ने। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, इस वजह से भी शायद आपके पार्टनर स्टक हैं, मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर जो फाइव ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है फ्लावरिंग ने किया है, आपके जीवन में ना आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने जा रहा है। और यहाँ पर टेन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है कंट्रोल ने। ओके व्यूअर्स, तो आप दोनों ही ना अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे को ना बताते बताते भी शायद ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो नहीं बताते हैं, एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते हैं। आप दोनों के दिल में इतनी सारी फीलिंग्स हैं, इतने सारा प्यार छुपा है ना एक दूसरे के लिए, फिर भी आप उस प्यार को जाहिर करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं और बिज़ी हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं और बिज़ी रहते हैं, इस वजह से आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। इतना प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक दूसरे को बता नहीं पा रहे हैं, अपने दिल का हाल ना एक दूसरे को अच्छे से शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। आप दिल से चाहते हैं कि आपका पार्टनर जब आपसे प्यार करता है, आप इस बात को समझते हैं, तो वो भी आपको समझे कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। बट व्यूअर्स, जब तक आप बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो सामने वाला कभी कभी नहीं समझ पाता है फीलिंग्स को, तो बताना भी ज़रूरी है, शब्दों में बयान करना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो अपने प्यार को जताएं भी और उसे जताते ही रहें ताकि वो कहीं और भटक ना पाए, किसी और के साथ अगर इन्वॉल्व भी है ना तो लौट कर वापस आप ही के पास आ जाए और प्यार उसी को जताएं जो आपके प्यार की कदर करे। ओके व्यूअर्स, ऐसा ना हो कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दें प्यार जताने के चक्कर में, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है और इन दिनों कहीं भटक गया है ना, तो उसको वापस लाने के लिए उसे अपने प्यार का एहसास कराएं, बट सेल्फ रिस्पेक्ट को उससे भी ऊपर रखें क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो देते हैं तो अपने आप को ही खो देते हैं और फिर शायद आप उस सब से निकल नहीं पाते हैं जो आप अंदर से बुरा फील करते हैं। वो जो बुरी फीलिंग्स है ना वो बहुत ही दर्द देती हैं, इससे भी ज़्यादा कि आप अपने पार्टनर को खो दें, उससे भी ज़्यादा जो दर्द देती है ना हमारे अंदर का जो दर्द होता है ना वो हमें ही तकलीफ़ देने लगता है। कुछ ऐसी गलतियाँ हम कर देते हैं ना, वो गलतियाँ हमें जीवन भर परेशान करके रखती हैं। इसीलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना जाने दें, किसी के लिए भी ना जाने दें। ओके, और जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना ये कोई एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है जो कि आपके पास आपके पार्टनर को आने से रोकता है, उसकी बुरी नज़र है आपके ऊपर या फिर आपके पार्टनर के ऊपर। ये इनका पास्ट लवर हो सकता है और ये जो पर्सन है ना
ये बहुत ही पैशनेट है आपके पर्सन को लेकर। इस पर्सन के दिल में आपके पर्सन के लिए काफ़ी सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जो, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ट्रू लव है, ट्रू लव नहीं है, बट हाँ ये आपके पर्सन को हासिल करने के लिए दाम दंड भेंट सब इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए। बट इस पर्सन को कोई कितना भी रोकने की कोशिश क्यों ना करे आपके पास आने के लिए, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और उन इमोशंस को ना कोई दूर नहीं कर सकता, इनके दिल से निकाल नहीं सकता। ये पर्सन दूर रहकर भी आपकी धड़कन को महसूस कर सकता है, ये पर्सन आप ही से प्यार करता है, बल्कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। ये कहीं भी रहें, किसी के साथ भी रहें, थोड़ी देर के लिए भटक ज़रूर सकते हैं, बट लौट कर ये आप ही के जीवन में आएंगे। ओके व्यूवर्स, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।